कोरोना से देश में काफ़ी विकट हालात हो चुके हैं। लोग ऑक्सीजन के अभाव में जान गंवा रहे हैं। हालातों को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री मोदी वैक्सीनेशन पर भरपूर जोर दे रहे हैं। हाल ही में उन्होंने देश हित और कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया और देश में 18 वर्ष से ऊपर आयु के वर्ग के सभी लोगों को वैक्सीन लगाने की घोषणा की है। ये वैक्सीनेशन 1 मई से शुरू की जाएगी। पीएम की इस घोषणा के बाद से ही वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के सामने कड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। चुनौती बड़ी तादाद में वैक्सीन बनाने की। बड़ी संख्या में वैक्सीन बनाने के लिए कच्चे माल की भी बड़ी मात्रा में आवश्यकता पड़ने वाली है। इसके लिए जब भारत ने अमेरिका की तरफ रुख किया तो खुद को बार बार अपना करीबी बताने वाले अमेरिका ने पल्ला झाड़ लिया है। अमेरिका ने कच्चे माल के निर्यात पर पाबंदी हटाने से साफ मना कर दिया। अमेरिका के बाइडन प्रशासन की तरफ से कच्चे माल पर लगी पाबंदी को लेकर कहा गया है कि उनका पहला दायित्व अमेरिकी लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। शायद अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडन को इस बात का मालूम नहीं होगा कि जब उनके देश में कोरोना से हालात खराब हुए थे तब उनके पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के आगे हाथ फैलाए थे, यानी कि मदद की गुहार लगाई थी। तब मोदी सरकार ने बिना देरी करते हुए हाइड्रोक्सीक्लोरीन दवाई पर तुरंत प्रभाव से पाबंदी हटाने का फैसला लिया। अमेरिका को डिमांड के मुताबिक समय पर दवाई उपलब्ध करवाकर दोस्ती और मानवता का एक नायाब उदाहरण भी पेश किया। पर आज जब भारत की मदद की बात आती है तो वही अमेरिका जो भारत को अपना करीबी दोस्त मानता है वो इस संकट के हालात में ये दोगला व्यवहार कर रहा है। खैर, ये तो वक्त वक्त की बात है, पर अब देखने वाली बात ये होगी कि अमेरिका के इस व्यवहार के बाद हमारी सरकार का क्या रुख रहता है।